Welcome back guys. In this video we are going to learning about regular fallacy method. This is my second video of regular fallacy method. Regular fallacy method is a numerical solution of non-linear algebraic equation, and this is the main formula of regular fallacy method. जैसे कि हम जानते हैं, हमारी पहली वीडियो में हम regular fallacy method सॉल्व किए थे और ये मेरी दूसरी वीडियो है. सो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला ऑफ द रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड दिस इज द टाइप ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड. ओके ओके तो रेगुलर फॉल्सी मेथड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट एंड योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. एंड इस टाइप की क्वेश्चन मिल जाती है एग्जाम में कभी कभी. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? दिस इज़ माई सेकेंड क्वेश्चन. अब चाहिए तो मेरी पहली क्वेश्चन भी देख सकते हैं मेरी पहली वीडियो में, रेगुलर फॉल्सी मेथड part 1 में. ओके सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? कंप्यूट 1 root ऑफ एक्स प्लस ए लिन एक्स -2 इज इक्वल टू करेक्ट अप टू 2 decimal places बाई यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड. ओके तो हमें 2 decimal places तक करेक्ट अप करना है. ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन गिवन है उसको मैं पहले स्टेप में यहाँ पर ऐसे लिख दिए. क्या इक्वेशन है? x प्लस ए लेन एक्स -2 इज इक्वल टू एक्स. फिर इसको मैं मान लिया लेट f of x इज इक्वल टू ये x प्लस ए लेन एक्स -2. ओके तो x इज इक्वल टू 0. अगर मैं x इज इक्वल टू 0 करूँ तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? -∞. अगर मैं x इज इक्वल टू 1 करूँ तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? -1. ओके ओके तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है इक्वेशन x प्लस, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 कर दूँ तो 1 प्लस ए लेन 1 सॉरी -2 है क्वेश्चन में ये. ओके -1 आती है तो x इज इक्वल टू जब मैं 1 कर दूँ तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होता है? -1. x इज इक्वल टू जब मैंने 2 किया तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितना होता है? 0.693. ओके तो इस यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1 में f ऑफ 1 की वैल्यू आई है माइनस में -1 और f ऑफ 2 की वैल्यू प्लस में आया है, तो मेरी ऑपोजिट साइन जो है वो मुझे मिल गई. सो मेरी यहाँ पर ऑपोजिट साइन वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई, तो इससे मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी जो रूट है वो x इज इक्वल टू 1 और 2 की बीच में है. ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पर चूज़ कर सकती हूँ कि मेरी रूट जो है वो किस दोनों पॉइंट के बीच लाइज कर रहा है, 1 और 2, क्योंकि 1 में f ऑफ 1 की वैल्यू माइनस में आई है एंड x इक्वल टू 2 में f ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव में आई है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी सकती हूँ कि मेरी रूट जो है वो x इक्वल टू 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है. अगर मैं ऐसा लिखूँ तो मैं गलत नहीं हूँ. ठीक है, बट आपको जो क्वेश्चन में बोला जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, अप टू करेक्ट अप टू 3 decimal places, 2 decimal places, 4 decimal places, राइट? तो यहाँ पर 2 decimal places तक हमें करेक्ट अप करना है. ओके तो अगर आप रूट जो है वो किन दोनों पॉइंट के बीच में है वो हम जान गए कि 1 और 2 के बीच में ही मेरी रूट है. ठीक है, तो अगर 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स होती है, क्या क्या नंबर होता है, 1.1, 1.2, अगर उन नंबर की और भी क्लोज जाए तो मेरी डेसिमल प्लेसेस तक जो मुझे मैचिंग करना है वो मेरी जल्दी मिल जाती है, मैं जल्दी आ जाता है मेरी आंसर. ओके तो हम और भी क्लोज जाएंगे. ठीक है, तो अगर
मैंने यहाँ पर 1.1 किया, 1.2 किया, 1.3, 1.4 किया, सभी आंसर मेरी माइनस में आ रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। आप चाहे तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी ए अगर मैं एक्स इजिकल टू 1.5 लिखूँ तो मेरी एफ ऑफ 1.5 की जो वैल्यू आती है वो कुछ ऐसी आती है, माइनस में आता है, ठीक है। और मेरी अगर मैं एक्स इजिकल टू 1.6 लिखूँ, मेरी जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ 1.6 की वैल्यू वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो मेरी जो रूट है वो इन दोनों बीच में है, और भी क्लोज गए तो इन दोनों बीच में मेरी रूट है, ओके। तो 1.5 में मेरी माइनस वैल्यू आई है, 1.6 में मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू मुझे मिल गई, तो मेरी रूट इज लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.6, वही लिखी है मैंने। ये मेरी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, ओके। द रूट इज लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.6, ओके। सो चूजिंग मेरी जो फॉर्मूला है रेगुलर फॉल्सी मेथड, उस फॉर्मूला में एक्स जीरो एक्स वन तो यूज़ होता है, राइट। मेरी जो मेन फॉर्मूला है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। मेन फॉर्मूला हमेशा इन फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, बट आप जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करना, ये फॉर्मूला, ओके। फॉर योर इजी प्रोसेस आप ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर चूजिंग एक्स जीरो इज इक्वल टू 1.5, इसको मैंने एक्स जीरो मान लिया, इसको मैंने एक्स वन मान लिया मेरी फॉर्मूला में पुट करने के लिए, ओके। सो वी चूज द एक्स जीरो इज इक्वल टू 1.5 एंड एक्स वन इज इक्वल टू 1.6, ओके। नाउ एक्स टू इज इक्वल टू, मेरी ये फॉर्मूला है रेगुलर फॉल्सी का, फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक्स जीरो एंड एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ओके। ये देखिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एक्स जीरो एंड एक्स वन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर पुट किया, एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ पर पुट किया। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू ये है, एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू ये है, ओके। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो बाद जो वैल्यू आती है वो ये है, ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या होता है, ये एक्स टू की वैल्यू ये है, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ये है। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट किया, आपकी जो आपका एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, ये इक्वेशन, राइट। इस इक्वेशन में आप एक्स टू की वैल्यू अगर पुट कर दिए तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस टू थी, ये थी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट किया, तो आपका जो आंसर आएगी वो कुछ ऐसी आएगी जो है मेरी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो और ये मेरी करंट वैल्यू है। तो मेरी नेक्स्ट इटरेशन मतलब नेक्स्ट रूट अप्रोक्सीमेट करने के लिए मेरी जो करंट वैल्यू है इसको तो मुझे लेना पड़ेगा ही, ठीक है, जो पॉजिटिव में आया है, राइट। और मुझे क्या चूज करना है, माइनस, लास्ट माइनस किस में आया है वो मुझे चूज करना है, और मेरी जो पॉजिटिव है उसको तो वो तो यही है, और ये करंट है इसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी पॉजिटिव जो वैल्यू है उसको मैंने ले लिया, अब मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। लास्ट माइनस किस में आया है, लास्ट माइनस 1.5 में आया है ये, ओके, ठीक है। तो मेरी रूट जो है वो किस 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 के बीच में लाइज करेगी, ओके। तो मेरी रूट जो है वो किस किस के बीच में लाइज करेगी, 1.5 एंड 1.55744 के बीच में, ओके।
एक पॉजिटिव एक माइनस होना चाहिए। मेरी जो करंट वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू पॉजिटिव में है और मेरी अब नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए और एक राइट। तो नेगेटिव वैल्यू लास्ट में क्या आया है, 1.5 में आया है, तो एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू जो है वो माइनस में आया है, तो मेरी जो रूट है वो 1.5 एंड 1.557454 के बीच में आएगी, राइट। अच्छा तो मेरी नेक्स्ट इटरेशन, अच्छा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा तो ये मेरी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट, ओके। तो नाउ माई रूट इज लाइज बिटवीन 1.5 एंड इक्वल टू 1.557454 के बीच में है। क्यों आया है ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1.557454 जो है एफ ऑफ 1.557454 इक्वल टू जो वैल्यू आया है वो है पॉजिटिव एंड 1.5 एफ ऑफ 1.5 का जो वैल्यू आया है वो है नेगेटिव, ठीक है। तो द माई रूट इज लाइज बिटवीन इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मेरी माई सो हमने चूज़ किया कि एक्स जीरो इजुकल टू 1.5 एंड एक्स वन इजुकल टू ये वैल्यू, ठीक है। तो मेरी अब एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, ये मेरी रेगुलर फॉल्सी मेथड फार्मूला है। फार्मूला में मैंने एक्स जीरो की वैल्यू एंड एक्स वन की वैल्यू पुट कर दिए और एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू भी पुट कर दिए। पुट करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी होगी, ओके। तो आप देख सकते हैं मेरी जो टू डेसिमल प्लेसेस है वो आपस में मिल गई, ठीक है, क्योंकि मेरी जो पहली x2 की वैल्यू आई है फर्स्ट इटरेशन में, x2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1.557454 आया था, राइट। एंड सेकेंड इटरेशन में x2 की वैल्यू कितनी आई है, 1.557148113 आया है। तो यहाँ पर सिर्फ टू नहीं, थ्री डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर मैच हो गई, ओके। सो ये जो आंसर आया है आपका बेस्ट आंसर आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू की क्वेश्चन में क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है टू डेसिमल प्लेसेस तक मिलाओ, लेकिन हमारे थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आ गए। तो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर योर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो अगर इसका एफ ऑफ एक्स टू हम फाइंड आउट करें तो क्या वैल्यू आएगी, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मेरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आप करो वो मुझे मिल गई, दिस इज माई आंसर, ओके। सो दिस इज माई आंसर, तो सो द रिक्वायर्ड रूट इज 1.55 टू डेसिमल प्लेसेस, इसीलिए पॉइंट के बाद दोनों नंबर, दिस इज माई आंसर करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। We got our answer, right? तो ये रहा मेरी regular falsi method tutorial। ये मेरी second video है, आप चाहे तो मेरी पहले video भी देख सकते हैं। अगर इस video से आपको कुछ भी help मिली हो तो please इस channel को आप subscribe कीजिएगा ज़रूर। अगर आप subscribe करें तो आपको और भी videos की notification मिल जाएगी automatically, okay? So, thank you for watching, guys.